पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं डेरी फ्री मिल्क। ये दूध 40 रुपए में 1 लीटर बनकर तैयार हुआ है। इसमें आपको मिलेगा 52 ग्राम प्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें डेरी के दूध से एलर्जी होती है। तो बनाना शुरू करें। दूध बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है, आपको भुनी हुई मूंगफली नहीं लेनी है, मूंगफली कच्ची ही होनी चाहिए। इसमें कोई भी दाना खराब हो या फंगस वाला हो तो उसे निकाल दें। सबसे पहले हम मूंगफली को साफ पानी से धोएंगे जिससे कि इसके अंदर जो डस्ट है या गंदगी लगी हुई है वो निकल जाए और मूंगफली अच्छी तरह से साफ हो जाए। इस पानी को हम फेंक देंगे और अब इसमें डालेंगे साफ पानी। पानी ऊपर तक भर देंगे और इसे हम ढककर लगभग 6 से 8 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। यदि आपको रात को दूध बनाना है तो मूंगफली को सुबह ही भिगो सकते हैं, और यदि सुबह को दूध बनाना है तो मूंगफली को रात को भिगो सकते हैं। मैंने रात भर के लिए मूंगफली भिगो दी थी। ये मूंगफली अच्छी तरह से फूल चुकी है, ये देखिए। यदि मूंगफली को दबाकर देखते हैं तो इसका छिलका आराम से उतर रहा है। इसका मतलब है मूंगफली बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। इस पानी को हम किसी बड़े बर्तन में निकाल देंगे और इन्हें हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोएंगे जिससे कि मूंगफली एकदम साफ हो जाए। ये मूंगफली मैंने ऑनलाइन मंगाई थी 200 रुपए की 1 किलो। यहाँ मैं 200 ग्राम मूंगफली यूज कर रही हूँ, तो ये 200 ग्राम मूंगफली 40 रुपए की है। इन मूंगफली से हम 1 लीटर दूध तैयार करेंगे। हमने मूंगफली को पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और मूंगफली एकदम साफ हो चुकी है, तो ये अब दूध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बड़े मिक्सर जार में इन मूंगफली को डालेंगे। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि मूंगफली अच्छी तरह से भीग जाए और इसे पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पीसेंगे। यदि पूरा पानी एक साथ डाल देंगे तो इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा। तो खोल कर देख लेते हैं। अभी मूंगफली अच्छी तरह से नहीं पीसी है, हमें इसका बारीक पेस्ट बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे एक बार और पीसेंगे। इसी तरह से इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे। दूध बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। इसी पानी में से थोड़ा थोड़ा डालकर दूध तैयार करेंगे। खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, मूंगफली का गाढ़ा और क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इस पेस्ट को छान लेंगे। मूंगफली का पेस्ट छानने के लिए मैंने एक बड़े साइज का बोल लिया है। इसके अंदर एक सूती कपड़ा बिछाएंगे। इसमें डालेंगे मूंगफली का पेस्ट। अब इस कपड़े को चारों तरफ से उठाएंगे और इसे एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और अब हाथों से दबाकर इसका दूध निकालेंगे। हमने इसका दबा दबा कर पूरा दूध निकाल लिया है। अब कपड़े के अंदर जो ये मूंगफली का मिक्सचर बचा हुआ है इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। हमारे पास जो पानी बचा हुआ है सारा पानी इसमें डालकर इसे एक बार और पीस लेंगे जिससे इसमें जो बचा हुआ दूध है वो भी निकल जाएगा। तो इसे दोबारा छान लेंगे।
कपड़े के अंदर जो बचा हुआ मिक्सचर है वो केवल फाइबर है, इसमें से हमने पूरा दूध निकाल लिया है। इस मिक्सचर को आप फेंकिएगा मत, इसकी आप रोटी तैयार कर सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। मैं इसका बहुत ही टेस्टी पराठा बनाने वाली हूँ। ये जो हमने दूध बनाया है बहुत ही क्रीमी दूध बनकर तैयार हुआ है, एकदम फुल क्रीम दूध जैसा दूध है, ये गाढ़ा दूध है। जिन लोगों को मूंगफली अच्छी लगती है उनको इस दूध का टेस्ट बहुत पसंद आने वाला है। तो अब हम इसे उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने एक भारी तले का पैन लिया है और इस दूध को हम इस पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे दूध तली में ना लगे। ये दूध एकदम शुद्ध है और ताजा है, इसे हमने अपने हाथों से बनाया है। इसमें ना तो कोई मिलावट है ना कोई प्रिजर्वेटिव है। इस दूध में डेयरी के दूध से ज्यादा प्रोटीन है। इस 1 लीटर दूध में 52 ग्राम प्रोटीन है और इसमें आयरन और विटामिन B6 भी है जो आपको डेयरी के दूध में नहीं मिलेगा, और ये उस दूध से ज्यादा हेल्दी है। कई बार गाय भैंस से दूध निकालने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का असर दूध में भी आ जाता है। उस दूध को जब बच्चे पीते हैं तो उनमें हार्मोनल डिस्टरबेंस होने लगता है, इसलिए ये दूध बेस्ट है। ये प्लांट बेस्ड दूध है। इसी दूध में जो फैट है वो हेल्दी फैट है और हार्ट फ्रेंडली है। ये दूध कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें डेयरी के दूध से एलर्जी होती है। आप चाहें तो इसका शेक बना सकते हैं या फिर स्मूदी बना सकते हैं, इसकी दही बना सकते हैं। इस दूध को ठंडा करने के बाद आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 200 ग्राम मूंगफली से 1 लीटर से ज्यादा दूध बनकर तैयार हुआ है। 1 लीटर दूध बनाने में केवल 40 रुपये खर्च हुए हैं। हमारा दूध पीने के लिए तैयार है, बहुत ही क्रीमी दूध बनकर तैयार हुआ है। ये दूध बहुत ही हेल्दी है, आप चाहें तो इसे इसी तरह पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। लेकिन इसमें शुगर ना मिलाएं, आप शुगर की जगह गुड़ मिला सकते हैं या गुड़ का पाउडर मिला सकते हैं। अब हम एक हेल्दी और टेस्टी पराठा तैयार करेंगे। मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, ये मल्टीग्रेन आटा है। इसमें डालेंगे 1 कप मूंगफली का बचा हुआ मिक्सचर जो दूध में से बचा था, और 1 कप पालक। पालक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्जी मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, पत्ता गोभी मिला सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को दोनों हाथों के बीच में मसल कर डालेंगे। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। इस आटे में हमने पालक डाला है तो इसलिए इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको मसल मसल कर तैयार करेंगे। हमारा आटा बनकर तैयार है। इस आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा तैयार हो चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। ये मैंने सूखा हुआ आटा लिया है। आटे का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसकी एक बॉल तैयार करेंगे। इसे सूखे हुए आटे में लपेट लेंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लगभग पूरी के आकार का बेल लेंगे। अब इसके बीच में लगाएंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि हम इसका पराठा तैयार कर रहे हैं। यदि आप रोटी बना रहे हैं तो घी ना लगाएं। इसके किनारों को उठाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब इसे एक बार और सूखे हुए आटे में लपेटेंगे और उंगलियों से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब बेलन की सहायता से इसका एक पराठा तैयार करेंगे। ये पराठा थोड़ा सा मोटा ही बनता है क्योंकि हमने इसमें पालक डाला है। इसको हम तवे पर सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी, इसको पलट लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसे पलट लेंगे। स्पैचुला से हल्के हाथ से दबाएंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी और लगाएंगे।
इसे पलट लेंगे। इस पराठे को हल्के हाथ से दबाएंगे और इसे ब्राउन स्पॉट होने तक सेक लेंगे। इसी तरह से आप इसकी रोटी बना सकते हैं। ये पराठा बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये हाई फाइबर है। इसमें हमने पालक भी डाला है। ये देखिए बहुत करारा पराठा बनता है ये। इस पराठे को आप चाहे तो अचार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। आपको मेरा ये मूंगफली से दूध बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।